कोरोना महामारी को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को प्रशासनिक सचिवों व सभी जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। बता दें कि इस बैठक में बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों के उपचार का सारा खर्च प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जाने का निर्णय लिया। ये लाभ आयुष्मान भारत योजना में शामिल न होने वाले बीपीएल परिवारों को मिलेगा। पहले ऐसे बीपीएल मरीजों को 35,000 तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ब्लैक फंगस बीमारी के उपचार के लिए हर मेडिकल कॉलेज में कम से कम 20 बेड रिजर्व रखे जाएं और गांव में डोर टू डोर दौरा करने वाली टीमों में शामिल सदस्यों की प्राथमिकता से वैक्सीनेशन करें। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के बाद होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विशेष क्लिनिक बनाए जाए। बैठक में बताया गया कि अब तक लगभग 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर होम आइसोलेशन मरीजों के घर द्वार पर पहुंचाए गए हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी टीमों ने 4097 गांव का दौरा किया और 47.5 लाख से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। आपको बता दें कि अब तक हरियाणा में 51 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाए गए हैं। वहीं निजी अस्पतालों में हो रही अधिक वसूली पर मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि निजी अस्पताल मरीजों के बिलों पर निगरानी रखे। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को सरकार की घोषणा के अनुरूप सभी जिलों में 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों व सभी जिला उपायुक्तों को कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए आंदोलनकारी किसानों से बातचीत कर कोरोना के खतरे से अवगत कराने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है और अधिकारियों से दिशा निर्देश जारी कर कोरोना काल में लोगों की मदद कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।